वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज के लेसन में जिस पोएम को हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है इफ आई वर अनदर। ये फिलिस्तीन के पोएट महमूद दरवेश ने लिखी है। ही वाज अ ग्रेट पोएट, उनको फिलिस्तीन के कौमी शायर का दर्जा हासिल है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जो फिलिस्तीन के लोग अब तक करते आ रहे हैं। बेसिकली जो टाइटल है पोएम का वो ही बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो आई के साथ नॉर्मली वाज यूज किया जाता है, वर यूज नहीं होता, बट इट्स अ सब्जंक्टिव केस। ये सूरत में यूज करते हैं जब हम कोई विश एक्सप्रेस कर रहे हों। For example, if I were the president of this country, जो कि मैं नहीं हूं लेकिन मैं विश करूं कि काश ऐसा होता। तो same is the case with the poet. The title suggests के he is not satisfied with his life, या उसने अपनी लाइफ में जितनी sufferings देखी, जो चीज़ें उनके ऊपर गुजरी, उनको exile भी बर्दाश्त करना पड़ा और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपने बाकी हम वतनों की तरह। उस सेंस में पोएम का टाइटल ये सजेस्ट करता है कि इट्स अ काइंड ऑफ एलिजी। एलिजी को हम उर्दू में नोहा कह सकते हैं, मरसिया कह सकते हैं। तो इसकी टोन हमें सैड नज़र आती है जब हम टाइटल को देखते हैं, बट ओवरऑल इट कंटेन्स द मैसेज ऑफ होप। राइटर जब ये शो कर रहा है कि इफ I were another, वो एक नई आइडेंटिटी की बात करता है, एक लॉस्ट आइडेंटिटी का थीम भी इसमें बहुत प्रोमिनेंट है। लेट्स स्टार्ट। इफ आई वर अनदर ऑन द रोड आई वुड नॉट हैव लुक्ड बैक। पोएट ये कहता है कि अगर मैं जो अब हूं वो ना होता, अगर मेरी आइडेंटिटी कोई और होती, ऑन द रोड, ऑन द रोड के कंटिन्यूस जर्नी में होता, सर्च में होता, एक्सप्लोरेशन में होता। ये जो रोड की इमेजरी है, रोड का सिंबल यूज किया है पोएट ने, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये है कि बाकी अपने हमवतनों की तरह ही इज इन कांस्टेंट सर्च ऑफ अ सेपरेट होमलैंड, जहां वो लोग सेटल हो सके पीसफुली, जहां पे वो लोग रह सके। तो इसमें हमें बहुत दफा वो रिपीटिशन नजर आएगी। रोड को अगर हम एक सिंबल के तौर पर देखें तो ये बहुत प्रोमिनेंट इसमें एलिमेंट हमें नजर आता है। आई वुड हैव सेड व्हाट वन ट्रेवलर सेड टू अनदर स्ट्रेंजर, अवेकन द गिटार मोर। अब इस पोएम के अंदर हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दिखाई देता है बास सेंटेंसेस के एंड पर, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करता है और शोज एन एक्सप्रेशन ऑफ पावरफुल इमोशंस, फीलिंग्स का इजहार किया है पोएट ने। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं, मेरी आइडेंटिटी ये ना होती, मैं कोई और होता और मैं जा रहा होता, मैं कॉन्स्टेंटली एक ट्रेवल कर रहा होता, इन सर्च होता, एक्सप्लोर कर रहा होता न्यू लैंड्स को, न्यू एरियाज को, तो मैं वही कहता जो एक ट्रेवलर दूसरे ट्रेवलर से कहता है। अब ये बात तो अपने आप से कर रहा है पोएट, एक डायलॉग है उसका अपने आप से, लेकिन वो दूसरे ट्रेवलर की बात कर रहा है। तो परहैप्स ही इज रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड, परहैप्स थ्रू द अदर पर्सन ही इज रिप्रेजेंटिंग द इंटायर वर्ल्ड। दुनिया का एटीट्यूड कैसा है उनके बारे में और वो क्या सोचते हैं अपने बारे में, फिलिस्तीन के लोगों के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो वो मैं दूसरे ट्रेवलर से, लोगों से, बाकी लोगों से, अपने साथी से, अपने पार्टनर से मैं यही कहता। स्ट्रेंजर मतलब वर्ल्ड जब तक इंटरवीन नहीं करता फिलिस्तीन के इशू में, तो वो उनके लिए एक स्ट्रेंजर ही है। दुनिया के लोग उनको अपना नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो उनके लिए इंटरवीन नहीं कर रहे, वो उनके लिए कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे, उनके सफरिंग्स को देखते हुए भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अवेकन द गिटार मोर, गिटार इज अगेन अ पावरफुल इमेज जो शो करता है म्यूजिक को, म्यूजिक जो शो करता है प्लेयर को, एक एस्थेटिक सेंस को शो करता है। तो वही कह रहे हैं कि मैं दूसरे ट्रेवलर से यही कहता कि स्ट्रेंजर इस गिटार को मजीद बजाओ। डिले आर टुमारो सो आवर रोड मे एक्सटेंड,
एंड स्पेस में वाइडन फॉर अस, से क्या होता है कि हमारा टुमारो आने वाला कल जो है वो डिले हो जाता। यानी अगर हम एक खुशी खुशी भरा दिन आज गुजार रहे हैं तो वो प्रोलॉन्ग हो जाता, वो डे हमारा मजीद एक्सपेंड हो जाता। और जो स्पेस हमें जो मिलती, हमें जगह हमें मिलती, वो भी डेफिनेटली फिर वो ज्यादा हो जाती। एंड वी मे गेट रेस्क्यूड फ्रॉम अ स्टोरी टुगेदर। अब रेस्क्यू जो वर्ड है वो शो करता है कि क्लैमिटी में है ये, किसी ऐसी सिचुएशन में है, किसी ऐसी नागहानी आफत का शिकार है जहां से वो रेस्क्यू होना चाह रहा है। पोइट हिमसेल्फ अलोंग विद द ट्रैवलर कंपेनियंस, के हम इस इन इन अबतर हालात से सरकमस्टांसेस से हम इकट्ठे ही रेस्क्यू होते निकल आते। यू आर सो मच योर सेल्फ नाउ द पोएट में बी एड्रेसिंग द एंटायर वर्ल्ड, के दुनिया के बाहर दुनिया का जो है वो दुनिया के आप अपने आप में मगन हो, अपने ही ख्यालात में गुम हो, अपना ही ख्याल है। एंड आई एम सो मच अदर देन माई सेल्फ राइट हेयर बिफोर यू, और मैं तुम्हारे सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब अपनी लॉस्ट आइडेंटिटी की जो सर्च में हूँ उस शख्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस स्टांजा में ये फ्री वर्स में लिखी गई है, इसकी ट्रांसलेशन भी फ्री वर्स में की गई है इंग्लिश में। तो इस स्टांजा में हमें यही लगता है कि पोइट जो है वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक एंटायर नेशन को, जो फिलिस्तीन की नेशन है, जो एक लॉस्ट आइडेंटिटी का शिकार है। इफ़ आई वर अनदर आई वुड हैव बिलोंग टू द रोड, अब वही बात करता है कि अगर मैं ऐसा ना होता तो मैं एक्सप्लोरर ही होता, मैं रोड पर ही रहता। रोड का जो सिंबल है कि मैं कांस्टेंट मूवमेंट में रहता, हरकत में रहता, रुकता नहीं कहीं। नीदर यू नोर आई वुड रिटर्न, मतलब मूवमेंट इतनी ज्यादा होती है और इतनी एक लीनियर डायरेक्शन में होती कि वापसी ना हो पाती हमारी, हम आगे ही आगे बढ़ते रहते। शायद वो उस प्रोग्रेस को शो करना चाह रहे हैं जो फिलिस्तीन के लोग करना चाहते हैं, जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वहां के हालात की वजह से वो कर नहीं पा रहे। अवेकन द गिटार एंड वी माइट सेंस द अननोन एंड द रूट दैट टेम्प्ट्स द ट्रैवलर टू टेस्ट ग्रेविटी। फिर वही इमेजरी गिटार की है कि अवेकन द गिटार, गिटार को मजीद ज्यादा वो यूज करना है, टू यूज करना चाह रहा है, टू स्प्रेड म्यूजिक, टू ब्रिंग म्यूजिकैलिटी, टू ब्रिंग हैप्पीनेस, टू शो द आर्टिस्ट्री। और फिर उससे हमें अननोन का पता लगता, उन चीज़ों का जो हमारे नॉलेज में नहीं है। जाहिर है वो अपने एरिया से निकलते हैं, अपने कंफर्ट जोन से जब निकलते हैं तो आपको बहुत सी अननोन रियलिटीज का पता लगता है, अननोन चीज़ों का पता लगता है, एक अननोन एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको, और उस रूट का पता लगता जो उकसाता है, जो अट्रैक्ट करता है ट्रेवलर्स को। ग्रेविटी इज इन द सेंस ऑफ अट्रैक्शन, तो ये एक साइंटिफिक इमेज यूज किया है उसने। दिस इमेजरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ग्रेविटी शो करती है अट्रैक्शन। आई एम ओनली माई स्टेप्स एंड यू आर बोथ माई कंपस एंड माई कैज्म। पोएट्री कह रहे हैं कि मैं मुसलसल मूवमेंट में होता, चलता रहता और अपने कंपेनियन को कह रहा है कि तुम सिर्फ मेरे कंपस ही नहीं होते। कंपस जो है वो एक गाइड के तौर पे काम करता है, जो आपको रास्ता दिखाता है, लीड करता है, और जो कुछ लीड करता है तो वो जाहिर है लीडर होता है। और एक कैज़म की बात कर रहा है तो वो कह रहा है जो डिस्टेंस होता मेरे और तुम्हारे दरमियान वो उस वो बरकरार रहता है, मेंटेन रहता, ताकि मैं मजीद तुम तक पहुँचने की, तुम्हें एक्सेस करने की अटेम्प्ट में आगे ही आगे बढ़ता चलता रहता मैं। इफ आई वर अनदर ऑन द रोड, अगेन रेपिटेशन है, ये रेपिटेशन शो कर रही है उसकी इंटेंस डिजायर को कि मैं अगर ऐसा होता और मैं इस कांस्टेंट जर्नी में होता। आई वुड हैव हिडन माय इमोशंस इन द सूटकेस। एक बड़ी ब्यूटीफुल बात कही है कि इमोशंस जो हैं वो डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं, उनको आप किसी सूटकेस में बंद नहीं कर सकते, लेकिन बड़ा ब्यूटीफुली कन्वे किया उसने कि मैं अपनी इमोशंस को सूटकेस में बंद रखता, सूटकेस में बंद रखता उसकी की मेरे पास होती, यानी उसको मैं किसी और तक ना पहुंचने देता, उसको मैं अपना ट्रैवलिंग के दौरान जो लगेज है उन इमोशंस को मैं उस लगेज के तरह अपने साथ
लेकर फेंकता और उसकी उस तरह से ही हिफाजत करता जिस तरह ट्रेवलर जो है वो अपने लगेज की हिफाजत करते हैं। सो माई पॉइंट वुड बी ऑफ वाटर। अब पॉइंट जो है वो उसकी इमोशंस को शो कर रही हैं, तो पोइम्स के लिए उसने जो आगे वर्ड्स यूज किए हैं दोज वर्ड्स आर ब्यूटीफुल रिमार्केबल। सी आई वुड हैव हिडन माय इमोशंस इन द सूटकेस सो माय पोइम वुड बी ऑफ वाटर डायफनस वाइट एब्स्ट्रैक्ट एंड लाइट वेट। अब पोइम है, पोएट्री जो है वैसे ही बड़ी रिफाइंड क्लास है लिटरेचर की है, उसको हम कहते हैं रिफाइंड योनरा है, जिसमें आप बड़े ही लाइट वे में बाज़ दफ़ा बहुत ह्यूज किस्म का कॉन्सेप्ट कन्वे कर देते हैं विद द इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। यू से मैक्सिमम बाय यूजिंग मिनिमम वर्ड्स, और कितनी ब्यूटीफुल इमेजरी देते हैं कि वो बात आपकी बहुत प्रॉपर तरीके से कन्वे हो जाती है। सेम इज़ द केस विद द पोएट हेयर, जो उसने अपने पोएम को कहा है इमोशंस शो करती हैं वो पोएम वो, और वो किस तरह की है, पानी की तरह की है, फ्लुएंसी है उसके अंदर इतनी कोहेरेंस है जिस तरह विस्कोसिटी होती है पानी में। डायफनस है, डायफनस कहते हैं बहुत ही ट्रांसलूसेंट मटेरियल की बनी हुई है, बहुत क्रिस्टल किस्म की वो क्लियर है, वाइट है, वाइट प्योरनेस, वाइट वाइट कलर प्योरिटी को शो करता है। एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट है, आइडियाज आर गिवन द पोएम द पोएट्री एब्स्ट्रैक्ट है, उसकी मटेरियलिस्टिक वैल्यू नहीं है, जब इस तरह की खसूसियात उसके अंदर हैं तो डेफिनेटली दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। एंड लाइट वेट, वो लाइट वेट हैं, वो बहुत हल्की फुल्की सी हैं पोएम को, इतना उनका ये नहीं कहना चाहिए कि वजन नहीं है या वो इतनी सकील नहीं है, हैवी नहीं है, मतलब वो आपकी सेंसेस पे इतनी हैवी नहीं है, वो बहुत लाइट वे में आपको अप्रोच करती हैं, बहुत सेंसेस वे में आपको वो अप्रोच करती हैं और आपके हर्ट तक जाकर वो पेनिट्रेट कर जाती हैं। स्ट्रॉन्गर देन मेमोरी एंड वीकर देन ड्यू ड्रॉप्स, ये एक डिफरेंट आइडियाज, बिल्कुल ही एंटोनिम्स किस्म के आइडियाज, जिनको हम कह सकते हैं ये ऑक्सीमोरॉन है इन अ सेंस, कि स्ट्रॉन्गर देन मेमोरी, कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या कि मेमोरी से भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है, बट वीकर देन ड्यू ड्रॉप्स, और इतनी वीक है कि वो ड्यू ड्रॉप्स से भी वीक है, उनसे उतना भी उनका वेट नहीं है जितना ड्यू ड्रॉप्स होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वो इतनी है कि आपकी जितनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है उससे भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। तो मेमोरी के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग है, उनको फोकियत हासिल है, लेकिन वो हैवी नहीं है, वो नागवार नहीं गुजरती हैं आपको, बैड इंप्रेशन नहीं क्रिएट करती। एंड आई वुड हैव सेड माय आइडेंटिटी इज दिस एक्सपेंस, तो ये जो वास्टनेस है थ्रू द पोएट्री ही हैज क्रिएटेड, उसके बारे में कह रहे हैं कि ये यूनिवर्स है मेरी, ये मेरी आइडेंटिटी है जिसके थ्रू मैं अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहा हूँ टू द एंटायर वर्ल्ड एंड शोइंग देम व्हाट द मिजर प्लाइट माय कंट्रीमैन आर सफरिंग फ्रॉम। इफ आई वर अनदर ऑन द रोड, रिपीटिशन है, सेम लाइन है, आई वुड हैव सेड टू द गिटार, अगेन सेम थिंग है, स्ट्रेस करने के लिए उस चीज को, टीच मी एन एक्स्ट्रा स्ट्रिंग। अब ये सेंटेंस भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे एंड हो रहा है, इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, के मुझे एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग सिखा रहे हैं। उसके पास पोएट्री की स्किल है, लेकिन वो ये चाह रहा है कि कोई एक्स्ट्रा स्किल उसके अंदर आ जाए, वो कुछ ऐसी चीज़ उसके अंदर आ जाए कि वो जो अपना मैसेज देना चाह रहा है वो ज़्यादा फोर्सफुल वे में, ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में उसको कन्वे कर सके। बिकॉज द हाउस इज फार्दर एंड द रोड टू इट प्रीटियर, दैट्स व्हाट माई न्यू सॉन्ग वुड से। क्योंकि किसकी एक्स्ट्रा स्किल चाह रहा है कि हाउस का मतलब है जो डेस्टिनेशन है, जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, वो कह रहे हो वो दूर है। अब वो डेस्टिनेशन को आप किसी भी सेंस में ले सकते हैं, जैसे डेस्टिनेशन को ये कह रहे हो कि जो जिस होमलैंड के स्ट्रगल कर रहे हैं फिलिस्तीनी, उस डेस्टिनेशन की बात कर रहा है कि वो अभी मंजिल दूर है, वो अभी मुकाम आया नहीं है, और लेकिन वो सफर को वहां तक जाने का बड़ा खुशनुमा है, क्योंकि वो स्ट्रगल किस्म का वो सफ़र है, जर्नी है, वो लेजीनेस का जर्नी नहीं है, वो आराम से बैठे रहने का जर्नी नहीं है, वो वायलेंस का जर्नी नहीं है,
वो बड़ा एक पीसफुल और स्ट्रगल से भरपूर किस्म का जर्नी है, और वही कहता है कि मेरे न्यू सॉन्ग जो है, मेरा जो न्यू मैसेज होगा वो भी वो यही चीज कैरी करता है. व्हेनेवर द रोड लेंथन्स द मीनिंग रिन्यूज, ओके, जब ये बढ़ता चला जा रहा हूँ और सफर मेरा, मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि बढ़ जाए और रोड जो है वो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाए, तो जब ऐसी चीज होगी तो मीनिंग भी बदल जाएंगे. आप जितना टाइम गुजारते जाते हैं, वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती जाती है. जितने नए नए लोगों से मिलते हैं हम लोग, जितने न्यू प्लेसेस को हम विजिट करते हैं, तो हमारा एक्सपोजर बढ़ता रहता है. इन दैट सेंस इज सेइंग कि मीनिंग रिन्यू होते रहते हैं, जिंदगी के मतलब जो है वो नए नए एंगल से वो आश्कार होते हैं इंसान के ऊपर. एंड आई बिकम टू ऑन दिस रोड, आई एंड अनदर. ये बड़ी ब्यूटीफुल लाइन है कि पोएट ये कह रहा है कि फिर मेरा भी मीनिंग रिन्यू हो जाएगा, मेरी जो एग्जिस्टेंस का मीनिंग है उसका भी एंगल बदल जाएगा. मैं फिर मैं नहीं रहूंगा टू डायमेंशनल, कह रहे मैं वो हो जाऊंगा. एक तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा और एक उसको रिप्रेजेंट करूंगा जो मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ. Perhaps he is indicating to his countrymen कि मैं उनका representative हूँ. एक तो मैं अपना मेरी अपनी personality है और एक मैं अपने जरिए अपनी कौम को represent करना चाह रहा हूँ. मैं उनका जो purpose है, उनकी जो struggle है, उसको दुनिया को show करना चाह रहा हूँ. So it's a very beautiful poem by Mahmood Darwish. इसमें theme हम देखते हैं, एक lost identity का theme है, constant struggle का theme है. राइटर का एक राइटर की एक सैडनेस नज़र आती है कि क्योंकि वो जिंदगी से जो उसने गुजारी है या गुजार रहा है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो ही वांट्स टू बिकम समवन एल्स. जो लोग अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन होते हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आपको अगर नई जिंदगी मिले, दोबारा से चांस मिले, तो क्या बनना पसंद करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि हम यही जिंदगी दोबारा जीना पसंद करेंगे. लेकिन जो फिलिस्तीनी है, अगर उनसे पूछा जाए वो क्या बनना पसंद करेंगे, तो परहैप्स वो कहेंगे हम ये बनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ना वो अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, ना अपने कोई और एम्स जो हैं उनको अचीव कर सकते हैं. वो तो एक कॉन्स्टेंटली सफ़र कर रहे हैं वायलेंस से, एक अनसेटल्ड हैं, अभी तक उनका प्रॉब्लम सेटल नहीं हो सका. हालांकि उनकी रियलिटी जो है वो सारी दुनिया को पता है कि कौन किसके मुकाबले में क्या कर रहा है. तो दैट्स द एंड ऑफ दिस पोएम. आई होप दिस इज़ हेल्पफुल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.